हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपके लिए नॉलेजेबल ये टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि है टॉप 10 करियर इन फैशन इंडस्ट्री। टॉप 10 करियर इन फैशन इंडस्ट्री में हम किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरीके से करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अपना एक मकाम हासिल कर सकते हैं। तो गाइज, अगर बात की जाए ये टॉप 10 करियर कौन कौन से हैं फैशन इंडस्ट्री में, नेचुरली अ करियर इन फैशन डिज़ाइनिंग। तो जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग के नाम से एक ग्लैमरस आइडिया माइंड में आता है, जो इंडस्ट्री है फैशन इंडस्ट्री, उसमें जो है बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे रोल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स हैं जो फैशन जॉब हम किसी भी इंडस्ट्री में जा करके अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। गाइज, अगर बात की जाए, जैसे सबसे पहले करियर की बात की जाए, तो टॉप 10 करियर में अगर नंबर 1 करियर की बात की जाए, फर्स्ट 1 इज़ गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट। बहुत ही इनोवेटिव जॉब है, जो कि डिज़ाइन को डेवलप करने का, किस तरीके से डिज़ाइन को डेवलप किया जाए, मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाए, किस तरीके से कॉम्बिनेशन, जो धागे किस तरीके से यूज़ हों, टेक्सटाइल कौन सा है, फाइबर कौन सा है, टेक्नोलॉजिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब है। और जो कि उसका काम ये होता है कि वो इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन टेक्निक को, किस तरीके से अपने दिमाग को यूज़ करके वो प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाए, और ये सारा काम जो है एक गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट का होता है। क्वालिटी कंट्रोल कैसे की जाए, इन्वेस्टिगेटिव वर्क, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव वर्क है ये, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नंबर 1 पर ये वाला वर्क आता है गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट का। सेकेंड, अगर बात की जाए, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क इन फैशन इंडस्ट्री इज कॉल फैशन डिज़ाइनर, वन ऑफ द हाइएस्ट प्रोफाइल रोल इन दिस इंडस्ट्री। डिज़ाइनर बहुत ही इसको अगर हम बात करें तो इट्स कॉल डिज़ाइनर आर द क्रिएटिव जीनियस। डिज़ाइनर सबसे ज़्यादा जीनियस कहलाते हैं, ओके? और जो कि वर्क करते हैं अपने क्लोदिंग को डिज़ाइन करने के लिए, फैशन रेंज को डेवलप करने के लिए, एंड डिज़ाइनर कैन वर्क बहुत ही स्पेशलिज्म के साथ में डिज़ाइनर वर्क करता है। डिज़ाइनर जो होता है हैंडबैग से लेकर के स्पोर्ट्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर्स, एंड फैशन डिज़ाइनर जो है कि लार्ज नंबर ऑफ उसके पास जो रोल्स हैं काम करने के लिए, अगर देखा जाए तो रिटेल ब्रांड्स, बुटीक्स, लेबल एंड फ्रीलांस, ये लार्ज नंबर ऑफ इसके पास इतने ज़्यादा इसके सेक्टर्स हैं, बहुत सारे फील्ड में ये अपना जो है वर्क करता है। अगर बात की जाए ये वाला वर्क जो है हमारा फैशन डिज़ाइनर का नंबर 2 पर की लिस्ट में आता है। अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो रिटेल बायर जो सबसे ब्रेन को यूज़ करता है और अपने माइंड को यूज़ करके वो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गारमेंट्स हैं, किस तरीके से स्टॉक किया जाए, कमिंग जो सेशन है, अपकमिंग सेशन जो है रिटेलर आउटलेट में, किस तरीके का स्टॉक रखा जाए, किस तरीके से स्टोर किया जाए, परचेजिंग कैसे किया जाए, कंपनी को किस तरीके से मार्केट में इस्टेब्लिश किया जाए और क्या डिमांड है कस्टमर की, मार्केट और जो आज सीजनल ट्रेंड है वो क्या है, स्टोर क्या है, ब्रांड एंड बजट, ये सारा रिटेलर बायर का काम होता है। ये आता है नंबर 3 पर। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है आपके लिए। आई थिंक जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इसको बहुत ही यूज़फुल ये उन लोग के लिए रहेगा। अगर बात की जाए नंबर 4 पर, फैशन इलस्ट्रेटर, जिसकी स्टडी हम सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में करते हैं। फैशन इलस्ट्रेटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है। फैशन इलस्ट्रेटर का जो वर्क होता है वो डिज़ाइनर के साथ मिलकर कॉन्सेप्शनल स्केच को इलस्ट्रेट करते हैं फॉर फैशन प्रोडक्ट, और जिसमें कि इंक्लूड होता है क्लोदिंग, शूज, एसेसरीज एंड एडिशनल इलस्ट्रेटर
जो हैं प्रोड्यूस करते हैं, एडवर्टाइजिंग का भी काम करते हैं, एंड जो इमेजेस होती हैं, जो प्रमोशनल कंपनी का कैसे किया जाए, मटेरियल प्रिंट आउट ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारी जिम्मेदारी एज अ इलस्ट्रेटर की होती है। उसको इलस्ट्रेटर का उसको इलस्ट्रेट करना, कॉपी करना, उसको कॉन्सेप्शनल स्केचेस को तैयार करके कंपनी को प्रमोट करने का वर्क एज अ फैशन इलस्ट्रेटर के हाथ में आता है। गाइज, अगर बात की जाए नंबर 5 करियर इन फैशन डिज़ाइनिंग इज कॉल मर्चेंडाइजर। मर्चेंडाइजर वर्क जो कि है बाइंग टीम है उसके बहुत क्लोज होता है। बाइंग टीम का वर्क ये होता है कि किस तरीके से कंपनी को इफेक्टिवली जो रिक्वायरमेंट है, एक्यूरेट फॉरकास्टिंग है, जो किस तरीके से जो सेल्स है उसको कंपनी को सेल्स बढ़ाया जाए, कंपनी को प्रॉफिट कराया जाए, मॉनिटर करके सेल को किस तरीके परफॉर्म किया जाए। और जो रोल है मर्चेंडाइजर का वो ये होता है कि कंपनी या स्टोर को या बुटीक को जो लेबल है जिसके लिए वर्क कर रहा है किस तरीके से कंपनी को प्रमोट करे और किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक स्टेबिलिटी दे और अपने मार्केट में इस तरीके से उसको पॉपुलर करे। राइट गाइस, इसके बाद जो है और नंबर 6 पर आता है फैशन स्टाइलिस्ट। गाइस, फैशन स्टाइलिस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करियर इन दिस फील्ड। गाइस, अगर बात की जाए फैशन स्टाइलिस्ट, ये एक फोटोग्राफी से रिलेटेड जिसमें फोटोग्राफर स्टाइलिस्ट मिल करके काम करते हैं, या फोटोग्राफर ही एक स्टाइलिश अपने आप को एज अ करियर इस्टेब्लिश कर सकता है द आर्ट। ये फैशन फोटोग्राफी आप बोल सकते हैं, फोटोशूट्स होता है जो कि फिल्म इंडस्ट्री एंड ग्लैमर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड रोल इन एज अ फैशन स्टाइलिस्ट जो है वर्क करते हैं, किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, इंक्लूडिंग एडिटोरियल के लिए काम करते हैं, प्रिंट के लिए काम करते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए काम करते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए काम करते हैं, या फिल्म के लिए एंड ऑनलाइन आल्सो। दे आर आल्सो वर्क फॉर अ फिल्म लाइन एंड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो गाइज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा फील्ड है जिसको फैशन स्टाइलिस्ट के नाम से जाना था। इसके बाद अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल डिज़ाइनर, जिसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। टेक्सटाइल डिज़ाइन की भी हम स्टडी करते हैं, आपको मैंने कराई है। बात की जाए तो सेकेंड अगर टेक्सटाइल डिज़ाइनर की बात की जाए तो जो 2D डिज़ाइन को जो पैटर्न होता है उसको किस तरीके से प्रिंट को यूज़ करना है, वूवन एंड नीटर जो टेक्सटाइल होता है उसको किस तरीके से 2D डिज़ाइन में हमें करना है। और देर आर 2 मेजर फील्ड्स इन दिस इंडस्ट्री, दैट इज इंटीरियर जो कि जो कारपेट्स होते हैं, जो होम मेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लिए डिज़ाइन करते हैं टेक्सटाइल्स को, एंड फैब्रिक फॉर क्लोदिंग जो कि ड्रेस डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स। ओके गाइज, तो अगर बात की जाए पर्सनल स्टाइलिश और पर्सनल स्टाइलिश की अगर बात करते हैं तो पर्सनल स्टाइलिश यूजुअली वर्क एज अ रिटेल सेटिंग, जो कि बहुत ही जैसे अब बात कर जाए जैसे डाई हार्ड जो फैशनिस्ट होते हैं, एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड सर्विस स्किल होनी चाहिए फैशन में पर्सनल स्टाइलिश के लिए, उसको पूरा कमांड होनी चाहिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनल स्टाइलिश रिटेल शॉप में, आप जैसे बुटीक्स में और अपना चेन एक रन कर सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्सनल स्टाइलिश। और अगर बात की जाए फैशन पब्लिक रिलेशन, जिसको PRS वर्क बोलते हैं, बहुत ही जो फैशन पब्लिक रिलेशन का जो एक ग्लैमरस अपील होती है जो इस वर्क करते हैं, जैसे लाइक दिस मैं आपसे बात करूं, जो फोकस वर्क है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है इसमें कि हम किसी ब्रांड के साथ मिलकर के प्रोफाइल पब्लिक इमेज जो एक बनाते हैं किसी कंपनी की, जो हम बीच का जो मीडिएटर का काम करता है वो एक फैशन पब्लिक रिलेशन PRO का भी काम करते हैं, जिसमें कि हमारे कस्टमर एंड जो कंज्यूमर है और जो एक चेन डेवलप करते हैं वो काम होता है हमारे फैशन पब्लिक रिलेशन का। और ये इनका काम ये होता है कि ये मीडिया कवरेज एंड जो प्रोडक्ट की लॉन्चिंग किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को एक हाई लेवल पर पहुँचाया जाए। अब बात करते हैं जो फैशन राइटर की। फैशन राइटर ऑफनली बहुत ही
कम पाए जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक PRS का भी काम कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे एक्सटेंसिव फैशन मीडिया इंडस्ट्री को भी, जैसे आप रिप्रेजेंट करना या न्यूज़पेपर के लिखना, मैगज़ीन के लिए, कुछ फैशन मैगज़ीन है, फैशन वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगर्स हैं लाइक मी, मैं भी एक फैशन ब्लॉगर की तरीके से आपको एक टीच कर रही हूँ, तो और आपको नए नए एक फैशन के बारे में फोरकास्टिंग एंड समथिंग प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड करियर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे फील्ड को कवर करना एक फैशन राइटर का ही जिम्मेदारी होती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करियर इन दिस फैशन फील्ड। तो गाइज, ये 10 करियर हमारे फैशन फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और अपना अपना एक इनका एक वजूद है। तो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आई होप इट्स वेरी यूजफुल फॉर ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। सो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तैयार रहिए एंड बिंदास रहिए।